माता की जो भगवान, उसके लिए क्या नहीं करनी चाहिए। ये तिलक मतलब है ठाकुर जी के लिए, मंगल सूत्र मतलब ये तुलसी की कंठी, ये असली मंगल सूत्र है। कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसलिए जो चाहेगा हम तुलसी कंठी पहनेंगे, हम जो बगैर प्याज लहसुन के होते हैं उनको देते हैं। कल जब यज्ञ होगी ना, तुलसी कंठी हम लेकर के आएंगे। जिसकी इच्छा होगी यज्ञ का समय में, कल तुलसी कंठी ले लेना, ठीक है। और कल यहाँ पर यज्ञ होगी, मैं कल बताया था ना, यज्ञ में कुछ ना कुछ उसमें डालने के लिए आना। वो जो यज्ञ है ये वैष्णव होम है, ये साधारण यज्ञ नहीं जो साधारण पंडित लोग करते हैं। इसको थोड़ा जगत का शांति मिलेगी, घर का जितने तुम्हारे दुख कष्ट वो नरसिंह भगवान के मंत्र से आहुति दे देंगे। जितने उल्टा पुल्टा ग्रह इसके ऊपर में, अगर उसमें कोई आहुति देगा उसको सारे ग्रह दूर हो जाएगी। इसलिए कल घर से थोड़ी थोड़ी घी लेकर के आना, और बोले वो नहीं तो हवन सामग्री कुछ ना कुछ लेकर के आना, जो हवन सामग्री और आहुति में डालने के लिए, ठीक है। और जो तीसरी चीज है, हर घर में आपकी ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए। सबके घर में ठाकुर जी है, किसको किसके घर में ठाकुर जी है। देखो, ठाकुर जी को आप जितने अच्छे तरह से पूजा सेवा करोगे, आप स्वयं देख लेना। एक उदाहरण दिया है, जैसे अपना शरीर को सजाओ, बढ़िया से श्रृंगार करो शरीर को, और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे वो परछाई वैसे सज जाती है। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, केवल ये शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाएगी। आप स्वयं देख लेना, अपना घर में गोपाल जी होंगे, नहीं तो राधा कृष्ण कोई ठाकुर होंगे, हैं? ठाकुर जी को अच्छे तरह से सेवा करो, उनको रोज स्नान कराओ। बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ठाकुर जी को अच्छे तरह से घर में ठाकुर को पूजा सेवा करना, ठीक है ना। अब जितने सुंदर ठाकुर को श्रृंगार करोगे, ठाकुर जी को सजाओगे, देखना अपने आप तुम सज जाओगे, अपने आप घर में शांति सुख आएगी। ठाकुर का आशीर्वाद से ही सुख आ सकती है। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुना, ध्यान दे करके। बोले अयोध्या में कोई एक साधु निवास करता था, उसका एक छोटा चेला था, एकदम छोटा बच्चा, उसका नाम था रामदास। क्या नाम था? क्या नाम था? रामदास। बच्चा छोटा सा है। एक दिन गुरु जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बोले बेटा, ये ठाकुर को ठीक ठाक सेवा कर लोगे? बोले गुरु जी आशीर्वाद तो मैं जरूर कर लूंगा। अभी गुरु जी चले गए, लेकिन उसने कभी देखा ही नहीं ठाकुर को कैसे सेवा करता है। लेकिन गुरु जी बोल कर गए अच्छा तरह से सेवा करना। अभी उसने रोटी सब्जी बनाई, ठाकुर को सामने धर दिया और पीढ़ा लगा दिया। बोले ठाकुर जी उतरो, खाना खाओ। लेकिन उसने तो कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे सेवा करते हैं। उसको पता चला जैसे हम पीढ़ी में बैठ कर खाना खाते हैं ना, ठाकुर जी ऐसे खाते हैं। लेकिन देखा भगवान राम उतर कर खाना नहीं खा रहे। बोले ठाकुर जी क्या मेरे ऊपर नाराज है? गुरु जी बोले आपको अच्छे तरह से खाना खिलाना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाए। आओ बैठो, मैं तो जानता ना हूं कैसे खाना बनाते हैं, जैसे रुखी सुखी खाओ। देखा तब भी ठाकुर उतरे नहीं। बोले अगर आप खाना नहीं खाओगे ना, अयोध्या लोग गए हो, कौन कौन अयोध्या गए, वहां पर देखना सरयू नदी बह रही है। बोले ये नदी में मैं आत्महत्या कर दूंगा। उसने आत्महत्या करने के लिए गया, इतने में भगवान राम तो हिंड गए।
उसकी भावना देखकर भगवान हिल गए, बोले हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ पकड़ कर लाओ इसको, बोले ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। अभी वो छलांग लगाने वाला था, हनुमान जी पीछे पकड़ लिए, बोले ठाकुर जी खाना खा रहे, बोले खा रहे हैं, बोले हाँ देखा सचमुच से प्रभु राम बैठ कर खाना खा रहे थे। और माँ जानकी भोजन की, फिर लक्ष्मण हनुमान जी, फिर जो बच गया बच्चा ने खाया। उसने जब दो चार दिन ठाकुर को सेवा की, बोले ठाकुर जी मेरे से इतना हो नहीं पा रहा, छोटा बच्चा रोज गांव में जाओ चून मांग करके लाओ, फिर लकड़ी लाओ, फिर खाना बनाओ, फिर भोग लगाओ, इतने में अकेला कितना करूंगा। भगवान बोले हमें कुछ करना पड़ेगा। बोले तो आप घर की पिता हो, आप थोड़ी सी दोना और थोड़ा पत्ता बना दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मैया सीता बोली मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले तो आप घर की मैया हो, मैया क्या करती घर में, खाना बनाती है। बोले थोड़ी सी आप खाना बना दो। मैं तो भाई लक्ष्मी बोली मैं तो जिंदगी भर यही सेवा की, जंगल में यही खाना बनाई। लक्ष्मण बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले आप थोड़ा जंगल से सूखी लकड़ी ले आना। बोले भैया मैं तो यही काम किया जिंदगी भर में। हनुमान जी बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले और जितना सारे रखवाली का काम है ना, ये सारे काम तुमको करना। बोले भैया काम तो मेरी यही काम है, अभी केवल ये भिक्षा करके ले आता है। मैया रोज 56 भोग 36 व्यंजन, लक्ष्मी है ना, बढ़िया बढ़िया चकाचक रोज रोज बढ़िया बढ़िया भोजन हो रहा है, बढ़िया। केवल एक दिन गुरु जी की पत्र आया, बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, एक टाइम के बोले खाने पीने का व्यवस्था कर देना, फिर हम आकर के सारे व्यवस्था कर दूंगा। उसने मैया सीता को बोले गुरु जी की पत्र है, कुछ संत लोग गुरु जी को सामने आ रहे हैं। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तू थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना और मैं अच्छे तरह से बना दूंगी, कोई चिंता मत क्या करना। उसने गुरु जी को पास में पत्र लिखे, गुरु जी कोई चिंता मत करो, रोज रोज माँ जानकी 56 भोग 36 व्यंजन बना रहे हैं, और लक्ष्मण भैया तो लकड़ी कितने लेता ले आते सुखी सुखी, और प्रभु राम तो पत्ते सुंदर धुना बना देते हैं, और श्री हनुमान जी सारे काम कर लेते हैं। गुरु जी बोले ये पागल ये क्या बोल रहा है, उनको तो पता नहीं ये क्या होता है। जब गुरु जी बड़े चिंता करते करते संतों के साथ में आया, देखा सचमुच से इतनी सारी घर में खाना बनी हुई। बोले इतनी सारी खाना, देखा माँ जानकी स्वयं बैठ करके कोने में खाना बना रही। इतने में माँ जानकी जब देखा ना गुरु जी को, थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराई और वही अंतर्ध्यान हो गई। बोले बेटा ऐसे कैसे हो गया। बोले जब आप चले गए थे ना ठाकुर तो खाना नहीं खा रहे थे, फिर मैं रोने लग गया, फिर जब आत्महत्या करने के लिए गया फिर ठाकुर जी खाना खाए। उसको बाद में मैंने कहा इतना मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले हम सब मिलकर करते, इसलिए गुरु जी हम सबके सब मिलकर कर रहे हैं। गुरु जी तो चले तो चरण में गिर गए। बोले चला तो चीनी बन गया, गुड़ बन गया है देखो। इसलिए हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपिया जैसे तुम नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले मैया जसोदा जैसे तुम। भगवान सब करते हैं। देखो तुम्हारी घर में जो लड्डू सी गोपाल है ना ठाकुर जी, उनको पत्थर मत मानना, उसको सिल्वर नहीं तो उसको कोई अष्ट धातु मत मानना, वो साक्षात भगवान बैठे हैं, वो सारे चीज को देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं ठाकुर जी को तो थोड़ा बाता से भोग लगा दी और प्याज लहसुन डाल दून कर चकाचक खा रहे हो, वो ठाकुर सारे चीज देख रहा है तू क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए जो कुछ बनाओ शुद्ध रूप में बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। और ठाकुर जी को कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, ऐसे नहीं अपना तो दिन में 3 बार बदला रहे हो और ठाकुर जी एक कपड़ा पहन कर 3 दिन 10 दिन से बैठे हुए, नहीं। रोज ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर जी को तिलक लगाओ, ठाकुर को श्रृंगार करो, ठीक है ना। जितने भले ही कपड़ा हो, अगर अपना बच्चे के लिए कपड़ा लाते हो पहले कृष्ण के लिए लाओ, अपना लिए साड़ी लाते हो अपना लिए नहीं पहले ठाकुर जी के लिए साड़ी लाओ, ठीक है ना। ठाकुर जी को बढ़िया से पूजा सेवा करना, जितने ठाकुर को पूजा सेवा करोगे बढ़िया से घर में उतना शांति और घर में इतना सुख रहोगे। आप ये चीज स्वयं देख लेना।
और जो चौथा चीज लेना है ना, भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने बहुत कथा सुनाई, चारी बहुओं की मैंने कथा सुनाई, लेकिन अंतिम समय में केवल लास्ट जो बहू थी वही केवल साथ में गई। वो कौन है? ठाकुर जी के नाम। ठीक है, ये भागवत का जो सार है, ठाकुर जी का नाम ही ये भागवत का सार है। और आज जब जाओगे कथा के बाद में, एक जब माला लेकर के जाना, ठीक है, माला लिए बगैर कोई नहीं जाना। और जिसको इच्छा होगी कंठी पहनने के लिए, कल यज्ञ को बाद में जिसकी कंठी पहनने की इच्छा उसको हम कंठी दे देंगे। हाँ जी, प्रभु इधर आ जाओ। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आज कोई मत जाना, क्योंकि आज का कथा विश्राम है, और आज का कथा जो सुन लेगा वो सात दिन कथा सुनने का उसको फल मिलेगी। अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी और होली, कोई होली में कोई गुलाब लेकर के आए कि नहीं? कि खाली आप आए लोग, हाँ आज धूमधाम, आज विरज में होली रसिया, अभी होली आ रही है ना, इसलिए आज होली हम खेलेंगे, बगैर होली के कोई मत जाना। ठीक है, अभी हम कथा को विश्राम देने जा रहे हैं। और कृष्ण रुक्मिणी बने कि नहीं? कृष्ण रुक्मिणी बन गए सुदामा जी? सुदामा और कृष्ण रुक्मिणी बना दो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम अपने गुरुपाद परम हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे मंच के पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और वैष्णव लोग, कीर्तनकारी माताएं, प्रभु लोग, भाई बहन, जितने भी समस्त यहाँ कथा में सुनने के लिए भक्त लोग आए, सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है, बड़ी आनंद की बात है और थोड़ी दुख की बात है। दुख की क्या बात है, आनंद की क्या बात है? सात दिनों से यहाँ पर बड़ा आनंद मिक मेला जैसा लगा हुआ है, बड़ा ही आनंद आ रहा था। परंतु कुछ भक्त लोग कह रहे दुख की बात क्या है, कह रहे कल यहाँ पर कथा नहीं होगी, आज कथा खत्म नहीं हो रही, क्या हो रहा है? विश्राम हो रहा है, विश्राम। कथा कभी खत्म नहीं होती, जैसे सूर्य उदय होता है ना और अस्त होता है, फिर उदय होता है फिर अस्त होता है, तो ऐसे ही आज कथा हमारी विश्राम करेगी। कल महाराज जी ने बताया ऐसे हवन होगा और हवन के बाद सभी के लोग प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था है। उससे पहले देखो इस कथा में बहुत सारे भक्त लोग आए अपना कामों को छोड़कर, और बहुत सारे भक्त लोगों ने बड़ी सहायता की, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। क्योंकि भागवत में कोई भी कहते हैं एक माचिस भी देता है, कोई चावल का दाना भी लेके आता है, कोई फल फूल भी लेके आता है, तो उसका कोई भी ऋण नहीं चुका सकता, भगवान भी उनका ऋण नहीं चुका सकते, हम लोग तो क्या करेंगे। परंतु फिर भी जिन लोगों ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर जिन्होंने सेवा की है,
उन लोगों का हम नाम लेने का प्रयास करेंगे और जिन लोगों का नाम बहुत लोगों ने सेवा की, बहुत लोगों ने गुप्त दान भी दिया है, जिन लोगों का नाम हम भूल जाते हैं और नहीं भी ले पाते हैं, तो भगवान तो सब देख रहे हैं, आप चिंता नहीं करना, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और सभी को कृपा। की पत्नी सुनीता चौहान, ये भागवत कथा को सबसे पहले इन्होंने खोड़ा में कराने के लिए महाराज जी को निमंत्रण दिया और महाराज जी भी इनके कहने पे आई, कथा जनवरी में होनी थी, जनवरी में बड़ी सर्दी भी थी और महाराज जी ऑस्ट्रेलिया चले गए थे किसी कारण से, ये हो नहीं पाई और फिर इसी समय हुई। तो सभी का योगदान है, परंतु इसमें धर्म सिंह चौहान और सुनीता चौहान इनके परिवार ने इसमें बड़ी सहायता की है। आप लोग कहाँ, इन्हों लोगों ने घर घर में जाके सबको निमंत्रण दिया है, घर घर में जाके एक रुपया कलेक्शन भी किया है। जो धर्म सिंह चौहान, सुनीता चौहान जी महाराज जी बुला रहे हैं, आगे आएंगे और कथा के बाद महाराज जी से आशीर्वाद भी लेंगे, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाएं जिसको कथा अच्छी लगी। और ये कथा जहाँ पर होने जा रही थी, पहले कथा कहाँ पर हो रही थी, ये वाली गली में हो रही थी, जो माता जी का घर है ना, इस गली में कथा हो रही थी। मैंने कहा था माता जी इस गली में मत कराओ, बहुत लोग आएंगे, तो माता जी ने कहा प्रभु जी हमारी इसी गली में कथा होती है हर बार, मन की आप चिंता नहीं करो, ये गली छोटी पड़ेगी इसलिए आप यहाँ पे कथा कराओ। तो फिर इन्होंने ये निवेदन मान भी लिया और जिनका ये स्थान है वो राणा जी हैं, सेक्टर 22 चौड़ा गांव में रहते हैं और इनका ये स्थान है, ये गए राणा जी के पास और परमिशन भी लेकर आए। उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ बोला कि नहीं आप लोग करो, भागवत कथा करने जा रहे हो, कितना आनंद की बात है। तो राणा जी अगर यदि होंगे, उनका नाम है ब्रजेंद्र सिंह राणा, शायद वो आने वाले हैं, यदि कहीं आ गए हो सुन रहे हो तो स्टेज पे आएंगे और महाराज जी से, ब्रजेंद्र सिंह राणा जिनका स्थान है, आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने हमें कथा का स्थान दिया है और वो लोग आएंगे और उनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और सबसे पहला जो आकर्षण का केंद्र है, हमारे सभी भक्त लोगों ने बोला कलश में हमारी जो माताएं हैं, 250 माताओं ने कलश उठाया। महाराज जी बोले आज तक मैंने जितनी भी कथा की है, इतनी कलश जो उठाया है पूरे दिन में, पहले मैंने माता से कहा था आप इतना बड़ा पंडाल लगा रहे हो, लोग आएंगे कैसे, आएंगे इतना लोग? तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आया तो देखो पूरा का पूरा पंडाल पहले दिन में भर गया था। तो 250 कलश में जिन्होंने योगदान दिया है, उन सभी माताओं का धन्यवाद करते हैं हम। विशेषकर थोड़ा जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैं परिचित भी है, नाम भी है, और सभी माताओं को जो 250 के 250 माताएं हैं जिन्होंने कलश उठाया है, उन सभी का जोरदार ताली से आप स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और उसमें अंकुश की मम्मी, काजल की मम्मी और शिवानी की मम्मी और कुसुम माता जी, राणा जी कुसुम माता जी, इन्होंने विशेष योगदान दिया सहायता की सबकी, इन लोगों के सभी माताओं के पास हो गई है, एक एक का नाम लिखा है इन 4-5 माताओं ने, इनके लिए भी आप लोग ताली बजाइए। और जो आप लोग यहाँ पर सूखा प्रसाद जैसे बांटते हैं ना, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और पंडाल में झाड़ू लगा, आप हम लोग तो चले जाते हैं, तो बाद में 12 बजे 1 बजे हमारे रोहित तिवारी जी ये आते हैं और इनकी भाभी जी है, इनकी भाभी वैशाली की मम्मी सोनी तिवारी, वो आके यहाँ पर झाड़ू भी लगाते हैं और भी माता लगाती हैं, इनका मेरा नाम नहीं पता। तो इन लोगों के लिए भी जो पंडाल में सेवा करता है किसी प्रकार की, भगवान उनका ऋण भी नहीं चुका सकते। तो आप लोग सोनी तिवारी जी हैं और इनकी भाभी के लिए आप लोग ताली बजाएं। और चेतन सिंह चौहान जो कि महाराज हर तरह से माहेश्वर के साथ भी सेवा करते रहे, पंडाल में बैठे रहे और महाराज जी को कभी कभी हर तरह ले जाना लाना छोड़ते हैं, ये चेतन प्रभु जी हैं, इनके परिवार का भी हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग ताली बजा के स्वागत कीजिए। और ये जो टेंट लगाया ना, क्योंकि महाराज जी ने कहा आप लोग कथा करा रहे हो तो देखो छोटा मोटा कुछ लगा लेना, ज्यादा खर्चा मत करना, हल्का फुल्का टेंट लगाना और जिसमें सभी लोग बैठ सके कथा सुने। तो हमारे चौहान प्रभु जी गए थे, संदीप जी टेंट वाले हैं, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम भागवत में लगा रहे ना, हम तो टेंट लगाते ही रहते हैं पर आपकी भागवत में कम से कम में हम लोग टेंट लगाएंगे। इसलिए जो टेंट वाले प्रभु जी हैं संदीप जी, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोग उनको ताली। और देखो ये जो कथा हो रही है ना, पहले दिन कथा तो हुई,
परंतु इस कथा के माध्यम से जो आप सुन रहे हो ना, ये साउंड है, ये साउंड बहुत दूर से आया है। कहाँ से आया है? अलीगढ़ से आया है। विनोद जी ये साउंड में बैठे हैं, लक्ष्मी साउंड है, और इनको हमने बहुत डांट भी लगाई, आप आवाज कम करो, इको कम करो, इसलिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे विनोद जी, पर इन्होंने साउंड बाद में बहुत अच्छा कर दिया और लोग सुन सुन के हॉर्न की आवाज दूर से लोग आ रहे हैं। जो विनोद जी है साउंड वाले, इनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ये भी स्टेज पे बाद में आएंगे, आरती के बाद महाराज से आशीर्वाद लेंगे। और देखो अभी मैंने तो लोगों का जो धन्यवाद दिया है, और इसमें जो विशेषकर जिसने सारा योगदान दिया है, और जो सब हर तरह से जिन्होंने सहायता की, हमारे महेश्वरी क्रू है, ये आ गए थे जब पंडाल लगा भी नहीं था, जब ये आए, मैं आया तो ये अकेले बैठे थे और टेंट लगवा रहे थे पूरे धूप में, और इनको बुखार भी था। और महाराज जी खोड़ा से जाते हैं, 55 सेक्टर 55 से आते हैं खोड़ा में, तो महेश्वर की गाड़ी जाती है, इनका बेटा पंकज रोज महाराज जी को लेने जाता है और छोड़ने जाता है, तो इनका बेटा पंकज जी शायद यहाँ पर नहीं है, और महेश्वर हर तरह से लोगों का फल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लोगों को बात करते हैं, लोगों से महाराज से मिलाते हैं, हरिनाम भी दिलाया है। तो महेश्वरी प्रभु जिन्होंने सारा योगदान दिया है, जो बेटी है गौरांगी, पीछे पीछे ये गौरांगी बेटा खड़े हो ना, गौरांगी जो बहुत अच्छा कीर्तन करती है, मेरे पीछे छुप गई, खड़े हो गए, ये बहुत अच्छा कीर्तन करती है गौरांगी, तो इनका परिवार ने भी विशेष योगदान दिया है, हम इन पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं। और देखो अभी तो सभी का हुआ है धन्यवाद, परंतु देखो इतना आनंद क्यों आ रहा है, इतना आनंद इसलिए आ रहा है, जो हमारे प्रभु जी है ना, श्याम प्रभु जी, ये केसी वाले, आप लोग नाच रहे हैं ना, आप लोग नाचते हैं, बड़ा आनंद आता है, पर आपके पैर जब तक नहीं नाचते तब तक इनकी उंगली नहीं नाचती है ना, जब इनकी उंगली नाचने लगती है ना, तो तब आप लोगों के पैर भी नाचने लगते हैं। तो इन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ हम लोगों को नचाया, आनंद दिया, जहाँ नींद आई हमको जगाया भी, मधुर वचन बोलकर, कीर्तन के माध्यम से, हारमोनियम के माध्यम से, हमारे ये शाम खींचे वाले हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, आप लोग ताली बजाइए। और हमारे जो पैड पे बैठे हैं, पैड पे से बैठे हैं हमारे श्रीकांत प्रभु जी, ये महाराज जी की हर तरह से पैड पे भी सेवा करते हैं, महाराज जी की रसोई बनाते हैं, कंठी माला, तुलसी माला, महाराज जी का बहुत सेवा करते हैं, और कथा में भी जैसे कल हवन करेंगे, हम लोग तो चले जाएंगे, ये पूरी हवन की सामग्री यहाँ पर ईंटों से सजाएंगे, मिट्टी से, गोबर से, सुबह पहले आ जाएंगे सबसे पहले, और जो हर तरह से सेवा करते हैं श्रीकांत प्रभु जी, हम इनका भी बहुत जोरदार ताली से धन्यवाद करते हैं। और हमारे प्रभु जी हैं ये संजीत प्रभु जी, मृदंग बजाते हैं, देखने में तो बड़े छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं, ये बहुत सेवा करते हैं हर तरह से, हर कीर्तन इनको आता है, बंगला कीर्तन, संस्कृत कीर्तन, महाराज जी की बड़ी सेवा करते हैं, सुबह अपना हरिनाम करते हैं, सब तरह से सेवा करते हैं, इसलिए हम संजीत प्रभु जी के लिए जोरदार आप ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये जो ब्रिज किशोर प्रभु जी सामने बैठे मुस्कुरा रहे, देखो ये वाले प्रभु जी, इन्होंने भी हमारी बड़ी सहायता की महाराज जी की हर तरह से, इनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। और देखो सबसे अब दो लोग रह गए जिनका बहुत बड़ा योगदान है, हाँ दो लोग रह गए जिनका बहुत बड़ा योगदान है, एक तो वो लोग हैं, आप लोग जोरदार ताली बजाना, एक तो वो लोग हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ कथा में आए, आप लोग हैं जो, अभी रुक जाओ, अभी रुको, कैसे आए देखो, सब लोगों के बहुत काम होते हैं, हमने बहुत लोगों को बोला कि आप माता जी आप कथा में आए, प्रभु जी आप कथा में आइए, कोई कहता मेरे को शादी में जाना है, कोई कहता मेरे को दुकान पे बैठना है, कोई कहता मेरे बच्चे के पेपर है, कोई क्या कहता है, पर उन लोगों में आप लोगों जो सारा काम को आगे पीछे करके और छोड़कर आए और 3-3 घंटा महाराज जी कथा में बैठे और वो भी घर में जाके भी आपको प्रसाद बनाना पाया, इतना आपने योगदान दिया, इसलिए श्रोताओं का विशेष धन्यवाद होता है। अगर यहाँ कीर्तनकारी भी आ जाए और यहाँ पर पंडाल भी लग जाए और यहाँ पर खूब मृदंग वाले भी आ जाए, अगर आप लोग नहीं आओगे ना श्रोता, तो इस शोभा कथा की शोभा नहीं है, इसलिए आप लोग अपने लिए ताली बजाओ जोरदार।
हाँ, और ये जो पानी लगा ना, गर्मी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गई है अभी, और पानी की व्यवस्था उन्होंने बोला है, अर्चना बिल्डर वाले जिन्होंने पानी की सेवा देते हैं, कल भी हमने कहा भंडारा होगा, हम जो घोड़ा में थोड़ा पानी की समस्या है, आप लोग पानी बिस्लेरी में बनाना है प्रसाद। बोले आपको कितनी बोतल चाहिए, 10, 20, 50, 100, आप बिस्लेरी में पानी में प्रसाद बनाना। तो अर्चना बिल्डर वाले जो पानी वाले हैं, इनके लिए जोरदार ताली मिला, पानी जल ही जीवन है। अभी तो मैंने सबका धन्यवाद दिया, और हमारे ये पुजारी प्रभु जी हैं, पुजारी जो आरती करने आते हैं, बहुत अपनी सेवा करते हैं, अस्वस्थ में बीमार भी हैं, 60 साल की आयु में भी सारा काम छोड़कर पुजारी प्रभु जी आते हैं, इनका भी आप जोरदार स्वागत कीजिए, ताली बजाइए पुजारी जी। हाँ, और अभी कौन, अभी रह गए एक व्यक्ति, अभी भी रह गए व्यक्ति, मतलब भगवान के जो कृपा पार्षद है, भगवान के पात्र है, जो हम यहाँ पर आप लोग भी आ गए, कीर्तनकारी भी आ गए, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं आए, महाराज जी यहाँ पर नहीं आए, तो कैसा लगेगा? सब लोग कहते हैं महाराज जी नहीं आए, और महाराज जी ने हमें इतनी सुंदर कथा सुनाई, अपना बहुत बिजी शेड्यूल में निकाल कर कोड़ा में आए, और यहाँ पर घर घर में गए, छोटे से छोटे घर में गए, बड़े से बड़े घर में गए, और महाराज जी सुबह प्रोग्राम करते हैं, दोपहर प्रोग्राम करते हैं, और यहाँ 3-4 घंटा कथा करते हैं, और फिर घर घर में जाते कथा करने। और मैंने भी बोला महाराज जी एक घर में और जाना है, एक घर में और जाना है, तो मैंने भी महाराज जी को बड़ा कष्ट दिया, महाराज जी मेरे को क्षमा करेंगे, परंतु महाराज जी ने अपने शरीर की चिंता न करते, बड़ा परिश्रम करके, उनका एक ही उद्देश्य है, आप लोग भजन करो, ना आप लोगों का धन चाहिए, ना आप लोगों से कोई यश चाहिए, महाराज जी का यश बहुत है, महाराज जी विदेश में जाते हैं, हॉलैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, और बम्बई में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं, छोटे छोटे घरों में जाते हैं, सब जगह सेवा करते हैं। तो महाराज जी कोई चिंता की नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, यश की भी नहीं, हमारा मठ भी है रूप सनातन, बस महाराज जी चाहते हैं आप लोग क्या करो, भजन करो, हरिनाम करो, भगवान की सेवा करो। इसलिए महाराज जी की कथा जितनी अच्छी लगी उतनी जोर की ताली बजाओ। और आप लोग, बहुत सारी माताओं ने अपने घर में प्रसाद रखा और हम लोग आए भी, बहुत सारी माताओं ने हमें निमंत्रण दिया, हम आ नहीं पाए, समय कम था, क्यों? क्योंकि 7 दिन कथा हुई, और 7 दिन में सुबह दोपहर शाम कुल मिला के 21 घरों में हम जा सकते हैं, पर हमने 25 घर में जाने का प्रयास किया, 21 में जा सकते हैं हम, 25-30 घर में गए, और बहुत सारी माताओं का प्रभु जी का नंबर नहीं आया, तो हम चाहते थे आप लोग के घर में आना, पर आ नहीं पाए, पर आप लोग हमको क्षमा करना, अगली बार जब हम आएंगे, जिन घर में नहीं आए उन घरों में भी आएंगे, कथा भी करेंगे, और आप लोगों से जो हमें टूटी हुई है, हमको समय का अभाव है, हम जरूर पूरा करेंगे, आप चिंता नहीं करना, हम सभी के घर में आएंगे और कथा कीर्तन करेंगे, ठीक है ना? और एक बात और विशेष बात, जो कथा होती है ना, उस कथा में बार बार महाराज जी बोलते हैं आप आगे मत आइए, थोड़ा कथा में साइड में बैठ जाइए, इधर में बैठ जाइए, बीच में जो आते हैं उसके लिए जो बोला है, हम लोगों ने कुछ लोगों को रोका, यहाँ पर आप इधर में प्रसाद रख दीजिए, इधर में रख दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपका जो प्रसाद है वो भगवान को भोग लगेगा, हम घर नहीं ले जाएंगे, और वो यहीं बटेगा। पर कुछ माताओं को और कुछ प्रभु जी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे हम भगवान के लिए लाए हैं और आप यहीं पे रखवा रहे हैं, हम भागवत जी के लिए ले आए हैं, आप चिंता मत करो, मैं विश्वास दिलाता हूँ भगवान स्वीकार करेंगे, इस पंडाल में किसी भी कोने में कोई भी भगवान के लिए लेके आया है, भगवान देख रहे हैं, और उसको पूरा का पूरा यहाँ पे चढ़ाने का फल और यहाँ पे रखने का फल बराबर ही मिलेगा। इसलिए रोका गया है कि किसी तरह से कथा में व्यवस्था बिगड़े ना, इसलिए नहीं रोका कि भाई कोई लोग कह रहे आप हमारी भावना नहीं समझ रहे, हम भगवान कथा में रखना चाह रहे प्रसाद। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ जो लोगों ने भी लेके आए चावल, कहीं पर भी रखा है पंडाल के अंदर, उन सब का एक एक दाना हम चावल का, दाने का, माचिस का भगवान की सेवा में लगाएंगे, और प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु आपके लिए जो लेकर आए हैं और जो नहीं भी लेकर आए, जो अपने को भी लेकर आए हैं, आप सभी पे कृपा कीजिए और सबको सुख शांति और आनंद दीजिए, सभी लोग आपका भजन कर सके और सुखी रह सके। इसलिए मैंने कुछ बोला हो या हमारे लोगों ने कुछ बोला है, आपको रोका है, आप लोग क्षमा करेंगे, और भागवत कथा से जो अच्छा लगा है भगवान का नाम लेके जाएंगे, ठीक है ना? अभी अभी महाराज जी रुक्मणी विवाह, कृष्ण रुक्मणी करेंगे, होली होगी, होली में मेरी प्रार्थना आप खेलना खूब, बहुत सारी माताएं गुलाल लेके आई हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है जो केसियों पे रंग ना डाले और यहाँ पर रंग
और स्टेज पे ज्यादा रंग ना फेंके, बाहर में उधर उधर करे, कोई स्टेज पे रंग लेकर ना आए, ठीक है। और जोर जबरदस्ती ना करे, किसी की आंखों में ना डाले, ऐसे ना करे, ठीक है ना। जो लगवाना चाहता लगाए प्रेम से, जोर जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है ना। बोल बिहारी लाल की जय। अपने और एक व्यक्ति के लिए ताली खाने जाए जिसने आपको इतना आशीर्वाद दिया है। ये प्रभु जी, ये प्रभु जी, आपको पता नहीं हम लोगों को बुलाना कहाँ रुकवाए, किस घर में जाएंगे, सबको बुलाना, इसका ये दिक्कत हम सोच नहीं सकते, इतना टेंशन है इनके दिमाग में। अगर कुछ हो ना, बोले इनको मेरे पे सारे दायित्व है, हाँ इसने बोल दिया, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हरे कृष्ण, कहाँ गए पंच भैया? कृष्ण रुक्मणी बने कि नहीं? कृष्ण रुक्मणी कहाँ है, कब आएंगे? कल आएंगे। अरे कृष्ण कहाँ है? कृष्ण रुक्मणी कहाँ है? वही पर खड़े करवा बुला रहा हूँ। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण रुक्मणी की शादी पर सुदामा चरित्र पर होली, ठीक है। बोला देखो विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा थे जिनके पांच बेटे और सबसे जो छोटी बेटी ये रुक्मणी, ये माँ लक्ष्मी स्वयं। ये बात नारद जी को पता, इसलिए नारद जी उनको बचपन से ही कृष्ण की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाया करते थे। अभी कथा सुनते सुनते रुक्मणी के रोम रोम में बैठी गई है। अगर कोई पति बनने का लाएगी तो केवल द्वारका भी कृष्ण ही है, केवल वही पति असली पति है। कितना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जी से जो चूड़न अमर है जाए। हैं? इसलिए अभी उसने प्रतिज्ञा की कि मैं द्वारकाधीश की शादी करूंगी। लेकिन जब ये बात उनको भाइयों को पता चला, रुक्मी को, बोले क्या कृष्ण को साथ में मेरी बहन की शादी होगी? हमने सुना ये बचपन में घर घर में ये जाकर के मक्खन चोरी करता था। फिर उन्होंने गोपियों का साथ में रास रचाया, भाई भैया हम तो किसी राजा महाराज से शादी करवाएंगे। बोले किसके साथ में? बोले शिशुपाल को साथ में। जब ये बात रुक्मिणी को पता चली, उसने एक ब्राह्मण को बुलाए और एक सुंदर एक पत्र लिख करके पीली पत्र ब्राह्मण को द्वारा उन्हें भगवान द्वारकाधीश को पास को पहुंचा दिया। कृष्ण जब ये पीली पत्र को देखे और समझ गए किसी ये प्रेमिका की पत्र है। देखो अभी रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखे, कृष्ण रुक्मिणी दोनों को नहीं देखे, लेकिन वो पत्र कहते पत्र में इतने सुंदर अच्छी बात लिखी हुई थी जिसको देख करके भगवान कृष्ण रीझ गए। बोले क्या पत्र में लिखी हुई थी? बोले हे प्रभु, जगत में अगर सबसे सुंदर कोई हो आप हो, इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती थी, बोले कृष्ण तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हुआ परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। अगर तुम लाली होती ना, इतने सुंदर तुम हो, पृथ्वी में जितने क्षत्रिय है तेरे को पाने के लिए आपस आपस में लड़ाई झगड़ा करते सबके सब मर जाते। मतलब कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण है। कहते हे प्रभु, केवल भुवन सुंदर तुम ही पति, पति मतलब क्या? पा मतलब जो पालन करे, ती मतलब संसार से जो हमें त्राण कर ले। कौन पालन करने वाला और त्राण करने वाले? कृष्ण ही है। बोले ये जगत में कोई पति बनने का लायक है ही नहीं। क्यों? हर जीवन में हम मांग भरते हैं, मंगल सूत्र पहनते हैं, शंखा पहनते हैं, लेकिन एक दिन ये सबके सब मिट जाती है। एक जन्म नहीं, कितने जन्म से ये मांग मिट रही है, शंखा टूट रही है। बोले कब तक तोड़ोगे और कब तक ये मिटेगी? बोले जब तक तुम असली पति जो भगवान है, जब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर देते। अगर एक बार उनको प्राप्त कर लो ना, कितना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो,
इसलिए आप ही केवल परम पति भगवान हो। हे प्रभु, मेरे को अगर आप उद्धार नहीं करोगे, ये जन्म जन्मांतर तक ये शरीर तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन इसी जगत में किसी सियाल को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप तो पुरुष सिंह हो, ये जगत में सब के सब सियाल ये राजा है। फिर रुक्मणी कहती है, कृष्ण कैसे उनको उद्धार करेंगे? बोले हमारी एक नियम है, शादी से पहले वो कन्या ये नगर से बाहर जाती है देवी को पूजा करने के लिए। जब मैं देवी पूजा करने जाऊंगी, उसी समय आप अपना पराक्रम को दिखाते हुए मेरे को बीच से अपहरण करना। उनने पत्र में डिटेल से रूप में सब कुछ लिख दी। अभी कृष्ण ये पत्र पा करके ब्राह्मण को रथ में बैठाए और उन्होंने आकर के पहुंचे कुंडिनीपुरी में पहुंच गए। ये शिशुपाल को पता चला ये रुक्मिणी पहले कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन इसका भैया मेरे को जोर जबरदस्ती रुक्मिणी को साथ में शादी करवा रहा है। वो पहले ही सारे सैन्य सामंत को लेकर आया था। अरे देखो, सबके सब रेडी रहना, अगर कृष्ण बीच में आए ना, सबके सब मिल कर हम युद्ध करेंगे। चारी तरफ में घेर गए हैं, चारी तरफ में। अभी रुक्मिणी अपना सहेलियों के साथ में माता देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां पर शंकर और पार्वती प्रकट हुए और वेद मंत्र के द्वारा कृष्ण रुक्मिणी को मंदिर में ही शादी करा दिया। लेकिन ये बात उसको पता ही नहीं चला, शादी हो गई। इतने में रुक्मिणी जब निकली अपना प्रियतम को देखने के लिए, अपना घूंघट को उघाड़ी, ये जगदम्बा माँ जननी स्वयं लक्ष्मी है रुक्मिणी, इतने ये थी सुंदरी, इनकी रूप को देख करके जितने सैन्य वहां पर थे सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए, सारे के सारे बेहोश हो गए। इतने में भगवान कृष्ण वहां से निकले और रुक्मिणी को हाथ पकड़े और रथ में बैठाए और उसको लेकर के चल पड़े। जब चल पड़े, इतने में थोड़ी देरी बाद में सबकी होश आए, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसकी थी उसने लेकर के चला गया। बोले मारो, पकड़ो, पीटो। इतने में श्री दाऊ भैया आ गए। बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, तू रुक्मिणी को लेकर के जा, इसको मैं देख लिया था उन लोगों को। बड़ा देव प्रभु अपना हाल और मुसल को निकाले, सबको मार मार कर वहां से भगा दिया। फिर कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में गए और बड़ी धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। देखो ये कथा में सारांश किया है, कहते जो रुक्मिणी है ना, मानो ये जीव ही है। अभी इनकी प्रभु के प्रति भक्ति कैसे बढ़ी? बोले नारद जी की कृपा से। कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। जब तक जीवन में हम सत्संग नहीं करेंगे, प्रभु की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? इसलिए भगवान राम भी सबरी को यही कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी प्रीति ममता फिर ठाकुर जी का प्रति होता है। फिर जीव क्या करता है, फिर प्रेम पत्र लिखता है। लिख करके किसको देता है? बोले सदगुरु को। ये सदगुरु जो ब्राह्मण है, फिर इसने क्या किया, ये जीव का जो प्रेम जो प्रार्थना ये भगवान तक कौन पहुंचाएगा? बोले ये सदगुरु पहुंचाते हैं। जब तक जीवन में कोई सदगुरु नहीं हो, तब तक हमारी प्रार्थना कोई ठाकुर तक कोई पहुंचा नहीं सकते हैं। सदगुरु ही हमारी हो करके भगवान तक हमारी जो प्रार्थना को पहुंचाते हैं। पर भगवान क्या करते हैं, जैसे हम ये माया को अंदर में हम फंसे हुए हैं, संसार की माया में फंसे हुए, जैसे रुक्मिणी चारी तरफ में सैन्य सामंत से घिरे हुए थे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, बीच से ही रुक्मिणी को उठा करके ले गए। अगर ये सदगुरु हमारी हो करके ठाकुर जी के पास में प्रार्थना करे, अरे भगवान आकर क्या करेंगे, ये माया की बीच से हमें उठा करके भगवान तक लेकर के हमें पहुंचा देंगे। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। ले आओ कृष्ण रुक्मिणी को पीछे से, कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के आ जाओ, कोई है पीछे से ले आओ। बोलो रुक्मिणी रामायण भगवान की, थोड़ी बीच में थोड़ा रास्ता रख लोगे, अभी सुदामा भी आएगा बीच में, थोड़ी बोलो द्वारका देश की, बीच में क्या
आस्था कर जाओ तुम सर। जय जय श्री राधे। ऐसे बरगो कोबरे जो जन्म और मर जाए, बरबरो गोपाल जो जा सुछुड़ लय मर हो जाए। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन I'm not afraid of the dark।
रुपया चढ़ा सकते हो। Thank you.
दारू पीपी के नाते हाँ अरे ये भगवान की शादी है रही है कोई नाम नहीं है आज मेरे Thank you.
Thank you.
Thank you.
भट भट नट भट नंद किशोर